Hello guys, this is Khemendra in your favorite Unacademy GATE channel. So I hope आप सब लोग बहुत ही बेहतर होंगे, बड़े अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और सारी चीजें कर रहे होंगे. So first of all, I would like to welcome you all in this Unacademy GATE channel, and I hope कि you all were doing fine. And this is me, this is Khemendra, and as you know, this is my Telegram link. And from past few days, what we were doing. From past few days, what we were doing the SSC JE ke liye question series. So we were doing SSC JE in ke liye question series. So I would like to tell you ke hum jo bhi series abhi yahan pe kar rahe hain, wo bahut hi acche se hum kar rahe hain. Koi bhi dikkat nahi hai is cheez mein, aur bahut hi acche se hum topic wise topic hum chal rahe hain. पास्ट फ्यू डेज मैंने मशीन सोईसी देखी थी, इंडक्शन मशीन एंड ट्रांसफार्मर. एंड आज मैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स लेके आया हूँ आप लोगों के लिए. मल्टीपल क्वेश्चंस हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस हैं. एंड बिल्कुल बेसिक से अगर आप समझ लेंगे इन क्वेश्चंस को, तो बिल्कुल बेसिक में समझेंगे आप इन सारी चीजों को. एंड दीज आर वेरी वेरी फाइन क्वेश्चंस, एंड सारी चीजों को आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं और बहुत ही आसानी से आप इन चीजों को अपने अंदर ढाल सकते हैं ताकि आप अपने एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाए. ओके तो सबसे पहले ये बात करना चाहेंगे कि व्हाट वी आर डूइंग हियर एसएससी जेईन क्वेश्चन सीरीज फॉर एसएससी जेईन एग्जामिनेशन. ऑल्दो एग्जामिनेशन इज लिटिल लेट बिकॉज अभी एक्सटेंड हो गया है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस थ्रेट. एंड कोरोना वायरस से एक बात बड़ी अच्छी याद आई कि आप अपना ध्यान रखिएगा बहुत ज्यादा, क्योंकि कोरोना वायरस आजकल थोड़ा सा चल रहा है. और आप हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसकी पहल लेते हुए पूरे देश में लॉकडाउन कर रखा है. तो आप अपना ध्यान रखिएगा, घर पे रहिएगा बहुत ज्यादा, एंड बाहर मत निकलिएगा. एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए, जो बड़े हैं अगर माता पिता से दादा दादी है तो उनका भी बहुत बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है. तो ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो रहा है आजकल, तो घर पे रखिए. तो इसीलिए हमने एक पहल लेकर आए हैं, इसीलिए हम रेगुलरली आपके पास वीडियोज अवेलेबल कराते रहते हैं ताकि पढ़ाई से आपका टच ना छूटे. बिकॉज पढ़ाई से टच रहना बहुत जरूरी है, टाइम बाय टाइम पढ़ाई से टच रहना बहुत जरूरी है, और उस चीज को कंटिन्यू रखना, पढ़ाई को कंटिन्यू रखना बहुत जरूरी है. इसीलिए मैं हर रोज अपने वीडियोस लेके आपके सामने आ जाता हूँ ताकि आप लोगों को कुछ नया सिखा पाऊँ, कुछ अच्छा सिखा पाऊँ. सो दिस इज वॉट वी आर डूइंग. एंड इफ यू लाइक माई अप्रोच देन प्लीज ज्वाइन विथ मी इन माई टेलीग्राम लिंक. दिस इज माई टेलीग्राम लिंक, यू ऑल नो. सो प्लीज ज्वाइन विथ मी, एंड आई होप कि आपके लिए कुछ ना कुछ बेनिफिशियल तो हम थोड़ा बहुत कर ही रहे हैं. तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारे जो एफर्ट्स है जो हम इस चैनल के थ्रू लेकर आए आपके लिए अनअकैडमी गेट के थ्रू, तो वो आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे, बहुत अच्छे लग रहे होंगे. तो आगे चलते हैं. सो वॉट वी आर वर्किंग इन दिस अनअकैडमी ग्रुप. तो वॉट इज दिस अनअकैडमी ग्रुप, लेट्स I will take a few minutes of you and then we'll go directly to the questions. कि थोड़ा सा टाइम लूंगा और फिर हम क्वेश्चंस पे चलेंगे डायरेक्टली, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अवर वर्क. सो दैट्स वाई आई विल डिस्कस अबाउट समथिंग के अनअकैडमी क्या है संस्थान, एंड अनअकैडमी संस्थान क्या हमें प्रोवाइड कराता है. ओके तो अनअकैडमी प्लस करके एक चीज है. अनअकैडमी प्लस करके एक चीज है, वो हमें क्या कराती है, वो हमको मल्टीपल बेनिफिट्स प्रोवाइड कराती है किसी भी कोर्स के. अब सपोज करो मैं तो यहाँ पे एस एस सी जेईन के लिए एज अ ऑप्शनल मैं यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ, अदरवाइज आई एम अ गेट फैकल्टी. सो बस मैं यहाँ पे क्लासेस ले रहा हूँ. तो व्हाट हैपेंस एट देयर कि वहां पर मल्टीपल कोर्सेज आर अवेलेबल इन सिंगल सब्सक्रिप्शन. व्हाट इज दिस मल्टीपल कोर्सेज इन सिंगल सब्सक्रिप्शन, इसका एक एग्जांपल बता दो. जैसे सपोज करो यहाँ पे एस एस सी की मैं आपको क्वेश्चन सीरीज में आपको करवा रहा हूँ. अगर सपोज करो वहां पे आपने एस एस सी का एक सब्सक्रिप्शन ऑप्ट कर लिया, तो आपको एसएससी के सारे पेपर्स जो प्रीवियस ईयर के थे वो मिल जाएंगे. आपको जीके जीएस की कैसे प्रिपरेशन करनी है वो पता चल जाएगा. आपको किस तरीके से आपकी रीजनिंग एप्टीट्यूड में प्रिपरेशन करनी है वो पता चल जाएगा, और टेक्निकल में किस तरीके प्रिपरेशन करनी है वो भी पता चल जाएगा. सो ऑल द थिंग्स जो नेसेसरी नीडेड है पढ़ाई से संबंधित, वो सारी की सारी आपको एसएससी के सब्सक्रिप्शन लेने से बदल जाएगी. और अगर आपने एसएससी का सब्सक्रिप्शन ले लिया तो एसएससी सीजीएल के लिए सीएचएसएल के लिए जितनी भी क्लासेस हो रही है उन सबकी एक्सेस आपको मिल जाएगी. So that's why we provide multiple courses in single subscription. That's why मैं गेट के लिए भी पढ़ा रहा हूँ, तो गेट के लिए भी, गेट और ईएस के लिए सेम सब्सक्रिप्शन के लिए दोनों चीजें आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी. मल्टीपल डाउट सेशन होते हैं जो प्लस कोर्सेज होते हैं उसके लिए, ठीक है. मल्टीपल डाउट सेशन होते हैं, डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द टीचर.
So what is the most important thing here is my code is Khemlife. Khemlife, it is not visible. I will be इसको visible कर देंगे बिल्कुल. ठीक है इसको तो मिटा देते हैं. My course, my name is Khemlife. It is written here Khemlife. आगे दिखा दूँगा मैं. So this is the procedure to do it. This is the procedure. कि आप किस तरीके से Unacademy लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, किस तरीके से आप Unacademy लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं. Unacademy लिखिए, Unacademy लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसके बाद यहाँ पर आकर इंस्टॉल कीजिए. इंस्टॉल करने के बाद ये आप अपना गोल सेलेक्ट कर सकते हैं. बिकॉज आई एम अ गेट एन ESE टीचर, तो मैंने वो गोल यहाँ पे लिख रखा है गेट एन ESE का. बट वॉट इज माई प्रेफरेंसेज, मेरी प्रेफरेंस आप लोगों के लिए है जो SSC JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. SSC JEE के लिए 3 मंथ्स का, SSC JEE के लिए 3 मंथ्स का कोर्स आप ऑप्ट कर सकते हैं. उससे क्या होगा, 3 महीने में तो आपका पेपर हो ही जाने वाला है. तो दिस इज द रेट फॉर दिस गेट एग्जामिनेशन. ये मेरा कोड है, अगर मेरा कोड लगाएंगे तो 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा हर सब्सक्रिप्शन पे. 10% डिस्काउंट डिस्काउंट इन एनी सब्सक्रिप्शन ऑफ Unacademy प्लस. मैं ये बात कह रहा था, ये वो कोर्स है 3 महीने का SSC JEE का. ये फायदेमंद क्यों है, देखो अगर ये आपने कोर्स ले लिया तो आपको टेक्निकल की सारी टीचर्स से, जो टीचर्स क्लासेस ले रहे हैं, शायद मैं भी लूंगा अभी, तो सारे के सारे टीचर्स से आपको क्लासेस अवेलेबल हो जाएगी, टेक्निकल की, नॉन टेक्निकल की जितने भी पोर्शन होते हैं उन सारी क्लासेस अवेलेबल हो जाएगी. नॉन टेक्निकल की, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों अवेलेबल हो रहा है ओनली 900 रुपीज पर मंथ में. यहाँ पे इस पे डिस्काउंट लग के है. ये Khemlife यूज करोगे ना, Khemlife ही यूज करना है. Khemlife मेरा कोड है, Khemlife यूज करोगे तो उसके बाद ये 3000 का आपको 2700 में पड़ेगा, ओनली 900 रुपीज पर मंथ. और आपको बहुत ही सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है, बहुत सारी नॉलेज मिल रही है इस पूरी प्रोसेस के तहत इन Unacademy प्लस सब्सक्रिप्शन. प्लस PLUS प्लस सब्सक्रिप्शन. ठीक है गाइज, आई होप यू हैव लाइक्ड इट. एंड जो गेट और ESE के लिए, उसके लिए इतनी रेट है, 12 महीने के लिए आपके अराउंड इतने इतने रुपए का आपका सब्सक्रिप्शन है. यू कैन टेक इट दैट ऑल्सो. जिनको भी अगर गेट का सब्सक्रिप्शन चाहिए तो गेट का ले सकते हैं. बट दिस SSC JEE का सब्सक्रिप्शन इज वेरी मस्ट फॉर दोज हु आर ट्राइंग टू प्रिपेयर, हु आर प्रिपेयरिंग. सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग दैट यू शुड डू. ओके, अब ये बात हो गई थोड़ी बहुत. अब अपन डेफिनेटली चलेंगे नेक्स्टली अपन हमारे क्वेश्चन के ऊपर. सो दिस इज माई फर्स्ट क्वेश्चन गाइज, दिस इज माई फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. Yes. What is my question saying? The resistivity of semiconductor dash conductor and insulator. देखो जरा जोर जोर के देखते हैं. The resistivity of semiconductor is more than that of conductor and insulator. No, that will be wrong answer. The resistivity of semiconductor is lies between that of conductor and semiconductor. Yes, this is my right answer. This is my right answer. एक बार ये देखो कितनी कितनी वैल्यू होती है रेजिस्टिविटी की अलग अलग वैल्यूज के लिए. अब देखो अगर मैं मेटल की बात करूं, रेजिस्टिविटी को हम किस में मेजर करते हैं, सबसे पहले रेजिस्टिविटी को हम किस में मेजर करते हैं, ओम पर, ओम मीटर या फिर ओम सेंटीमीटर. यहाँ पे दे रखा है ओम मीटर या फिर ओम सेंटीमीटर यहाँ पर दे रखा है मुझे. अब देखो जरा मैंने क्या किया, मैंने मेटल की बात कर रहा हूँ, मैं मेटल की बात कर रहा हूँ. तो मेटल की जो वैल्यू है वो होती है इतनी, कितनी, 10 की पावर -2 से लेकर 10 की पावर -6 तक. तो दिस इज द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मेटल. अब रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर कहाँ तक लाई कर रही है, ये देखो इधर से लेके इधर तक, ये रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर लाई कर रही है यहाँ पे. ये हो गई मेटल की, ये होगी सेमीकंडक्टर की. और ये जो हायर वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी है, हायर वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी है वो मेरी लाई कर रही है इंसुलेटर के लिए. दिस इज व्हाट हायर, दिस इज व्हाट लोअर वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी. सो द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, दिस इज माय सेमीकंडक्टर, lies between conductor, metal and insulator.
कंडक्टर एंड इंसुलेटर. सो दिस इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड. ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर. आई होप दिस कलर इज ओके विद इट. यू आर ओके विद द कलर. आई थिंक इट इज विजिबल. And as you know, this due to the corona effect, I am just recording this video. So if you have any kind of doubt, you can just comment me here, and main definitely us cheez ko solve kar dunga. Although ye recorded hai, lekin fir bhi I will try to solve it as soon as possible. Theek hai guys? So I hope you have understood this question. So slowly we are going forward for the second question of the day. My second question is these questions jo main aaj laya hu are the basics. Are the basics of semiconductor physics. If you अगर आज के जितने क्वेश्चन मैं लाया वो अगर सीख लिए ना तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स में कभी कोई दिक्कत होने ही नहीं वाली है तुमको. ठीक है, ये मैं लिख के दे सकता हूँ. ठीक है, आगे चलो. The semiconductor is formed by which bond? Very easy. If the semiconductor is formed by which the covalent bond. ये होता है मेरा covalent bond के structure. ठीक है, अब सेमीकंडक्टर जो है ये मेरा कौन से, इसमें चार होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में. आउटर मोस्ट शेल में चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अब देखो चार, अब आठ की टोटल जगह है, आठ टोटल जगह है, उसमें से चार है इलेक्ट्रॉन्स. तो चार रह गए खाली जगह, उनको मैंने बोला होल्स. तो चार इलेक्ट्रॉन और चार होल्स. अब ये जो चार इलेक्ट्रॉन है ना, ये चार होल्स की जगह भर लेंगे कि उसी सेम मेटल के दूसरे चार इलेक्ट्रॉन्स, और उसकी वजह से ये बना लेगा कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, और ये है मेरा स्ट्रक्चर कोवेलेंट बॉन्ड का. देखो यहां पर ये मेरा स्ट्रक्चर हो गया कोवेलेंट बॉन्ड का. दिस इज माय स्ट्रक्चर कोवेलेंट बॉन्ड का. किस तरीके से ये बने हुए चारों चारों एक साथ कंबाइन होके, ये मेरा स्ट्रक्चर होता है कोवेलेंट बॉन्ड का. ठीक है, अब देखो इसी तरीके से हमारा ये बनता है कोवेलेंट बॉन्ड. अब देखो कोवेलेंट बॉन्ड की खासियत बता दे रहा हूं. कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है ना आपका, ये आपके जो मेटल होता है ना, मेटल को ब्रिटल बना देता है. ब्रिटल, ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि मशीन से हम रिलेट करते हैं कि मशीन में हम यूज करते हैं सिलिकन सेमीकंडक्टर, सिलिकन मटेरियल फॉर द लेमिनेशंस. मैं बता रहा हूं क्योंकि जो ये चीज रिलेट होती भी आती है ना, जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं. एग्जामिनेशन में क्वेश्चन और बेसिकली जो इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं वो इसी तरीके से पूछे जाते हैं. जब एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से कोरिलेट होता है ना, तब वहां से वो क्वेश्चन बनता है, और तब वो वैसे ही क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं. अब देखो मशीन्स में लेमिनेशन हटाने के लिए हम यूज करते हैं सिलिकन को यूज करते हैं क्योंकि उसमें वो कम, उसकी रेजिस्टिविटी को कम कर देता है, अंदर की रेजिस्टिविटी को कम करने के बाद सिलिकन में प्रॉब्लम क्या होती है, सिलिकन हो जाता है ब्रिटल. ब्रिटल क्यों होता है? ब्रिटल इसलिए होता है क्योंकि उसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है. तो ये सारी चीजें आप देख लेना, बिकॉज सारी चीजें इंटरव्यू में इसी तरीके से पूछी जाती है, नंबर ऑफ चीजें बार बार बार. ठीक है, आगे चलते हैं. द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेमीकंडक्टर इज जरा इसको देखो, आप देखो कहानी कितनी शानदार बताएंगे. सेमीकंडक्टर कौन से एलिमेंट हो सकते हैं? सेमीकंडक्टर वो एलिमेंट हो सकते हैं जो मेरे फोर्थ ग्रुप में आते हो. इसमें कौन कौन से होते हैं? एक हो गया मेरा सिलिकन, एक हो गया मेरा जर्मेनियम. अब सर आप तो सर ऐसी कैसी बात कर रहे हो, सिलिकन और जर्मेनियम ही क्यों हो सकते हैं? ठीक है, सिलिकन जर्मेनियम इसलिए हो सकते हैं, एक होता है कि एनर्जी गैप. एनर्जी गैप की बात कर रहे हैं. एनर्जी गैप होता है मेटल का होता है जीरो फॉर मेटल या फिर कह लो कंडक्टर. फॉर कंडक्टर एनर्जी बैंड गैप का बीच का डिफरेंस है वो हो गया मेरा जीरो. ठीक है, फॉर कंडक्टर
फॉर इंसुलेटर इट इज अराउंड 6 EV एंड फॉर वॉट सेमीकंडक्टर इट इज अराउंड 1 ELV के आसपास होता है. अब सिलिकन का जो है ना, सिलिकन का जो अगर मैं ईवी देखूं कि इसका एनर्जी बैंड गैप कितना है, तो 1.21 EV है. और जो जर्मेनियम का है उसका 0.7 EV है. जर्मेनियम का क्या है, 0.7 EV है. अब आप बोलोगे सर कार्बन क्यों नहीं हो सकता मेरा सेमीकंडक्टर, कार्बन क्यों नहीं हो सकता मेरा सेमीकंडक्टर, क्योंकि कार्बन का जो एनर्जी बैंड गैप का डिफरेंस है वो है 2 EV. ये हो जाता है बहुत ज्यादा, ये हो जाता है बहुत ज्यादा. तो इसलिए कार्बन इज नॉट यूज्ड एज पार्ट ऑफ सेमीकंडक्टर. अब ये जो SN दिख रहा है, SN और लीड, ये SN दिख रहा है और ये लीड दिख रहा है, ये भी तो फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट है, तो इसमें क्यों नहीं यूज कर सकते. जो SN होता है ना, इट इज ऑलमोस्ट बिहेव्स लाइक अ मेटल. इसका होता है 0 EV, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट, दिस इज नॉट एग्जैक्ट, ऑलमोस्ट इसका जो एनर्जी बैंड गैप का डिफरेंस होता है वो 0 EV होता है. ठीक है, अब असली क्वेश्चन पे आओ. अब क्वेश्चन क्या है, ये तो मैंने कहानी बता दी सेमीकंडक्टर की, अब जरा क्वेश्चन पे आ जाओ. लीड का भी बहुत कम होता है. ठीक है, अब मेरा सवाल आया, द मोस्ट कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर. अब बच्चे कौन कौन, मेरा सिलिकन बचा और जर्मेनियम बचा. ठीक है, एक सिलिकन बचा और एक जर्मेनियम बचा, तो इनमें से कॉमनली यूज कौन सा है मेरा. तो आप बोलोगे सर मेरा एनर्जी बैंड गैप इसका जर्मेनियम का कम है, तो ये जर्मेनियम ही होना चाहिए. सिलिकन का तो ज्यादा है, सिलिकन का तो एनर्जी बैंड गैप ज्यादा आ रहा है, ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो फिर कम वाला लगा दो अपना. लेकिन ये गलत है, गलत इसलिए है, इसका आंसर होगा सिलिकन. दो रीजन की वजह से सिलिकन इज बेटर देन जर्मेनियम, दो रीजन की वजह से सिलिकन इज बेटर देन जर्मेनियम. वो दो रीजन सुनो अब जरा. एक है टेम्परेचर विदस्टैंडिंग कैपेबिलिटी ऑफ सिलिकन इज डबल देन एज कंपेयर्ड ऑफ जर्मेनियम. टेम्परेचर विदस्टैंडिंग कैपेबिलिटी ऑफ सिलिकन वो डबल है विद रेस्पेक्ट टू द जर्मेनियम. दूसरी एक होता है रिवर्स सेचुरेशन करंट. रिवर्स सेचुरेशन करंट हमारा जो सिलिकन का होगा, दैट इज वो ज्यादा अमाउंट, मतलब कम होगा एज कंपेयर टू जर्मेनियम. रिवर्स सेचुरेशन करंट होता है हमारे सिस्टम में एक लॉसेस की तरह, मैं एग्जैक्टली लॉस नहीं है वो, लेकिन मैं बता रहा हूँ दैट दैट हैज अ नेगेटिव इंपैक्ट इन द परफॉर्मेंस ऑफ अवर सेमीकंडक्टर. द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ सेमीकंडक्टर प्रोवाइड कराता है द रिवर्स सेचुरेशन करंट. तो रिवर्स सेचुरेशन करंट हमारे सिलिकन का कम होगा, तो ये दो रीजन की वजह से वी प्रेफर सिलिकन ओवर जर्मेनियम. ये दो रीजन की वजह से वी प्रेफर सिलिकन ओवर जर्मेनियम गाइस. ओके, आई होप समझ में आया होगा. बिल्कुल बेसिक से चलते आए हैं हम, तो कोई समस्या होने नहीं वाली है. आगे चलते हैं. क्या पूछ रहा है इन्हें, सेमीकंडक्टर द एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड. देखो जरा डायग्राम के तहत, द एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड इज, मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसका आंसर दे दिया था आप लोगों को, इसका आंसर एनर्जी बैंड गैप का आंसर हो जाने वाला है 1 ELV. अब जरा देखो ये इस तरीके से बताएगा एनर्जी गैप. अब यहाँ पे जो गैप है, ये सपोज करो एक है मेरा वैलेंस कंडक्शन बैंड, दिस ब्लू इज माय कंडक्शन बैंड, और ये नीचे वाला इज माय वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड है. अब वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप इन केस ऑफ मेटल्स. वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड में थोड़ा सा इसमें थोड़ा सी जगह होगी. This is around 1 EV. ये होता है मेरा सेमीकंडक्टर. वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में ज्यादा डिफरेंस है, इट इज अराउंड 6 ELV. ये होगा मेरा इंसुलेटर. अच्छा ना, अब देखो कंडक्शन की बात करेंगे. कंडक्शन किस में ज्यादा होगा, कंडक्शन ज्यादा होगा मेटल में. मेटल में अब कंडक्शन किस पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो वैलेंस बैंड में मेरे जो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है ना, सपोज करो ये वैलेंस बैंड है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, सपोज करो अगर मैं इसको थोड़ी सी पावर दूं, थोड़ी सी एनर्जी इसमें सप्लाई करो, झटपट ऊपर चल जाए, इट मीन्स मेरी कंडक्शन गुड है. मेरा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चल जाए, इसका मतलब मेरी कंडक्टिविटी गुड है. कंडक्टिविटी इज गुड,
अब ऑब्वियसली मेरी मेटल की कंडक्टिविटी इज वेरी गुड है, मेटल कंड अब मैं थोड़ी सी पावर दी बस एक इलेक्ट्रॉन को, तो वो झटपट क्योंकि ओवरलैप कर रहा है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड, तो ये कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। अगर मैं यहाँ पे मुझे ज्यादा पावर देनी पड़ेगी और इंसुलेटर में कितनी पावर दे लूँ, वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक पहुंच ही नहीं सकता, उसकी उसमें इतनी एनर्जी है ही नहीं कि मेरे इलेक्ट्रॉन पास कर जाए इस एनर्जी बैंड गैप को और वो कंडक्शन बैंड में चले जाए, तो ये तो हो ही नहीं सकता। बस सेमी कंडक्टर में कुछ कुछ हो सकता है। ठीक है, सेमी कंडक्टर की डेफिनेशन ये तो दैट्स कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन द, पहली डेफिनेशन मैंने यही पढ़ी थी अब सेमी कंडक्टर की डेफिनेशन, दैट द कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन द मेटल एंड द इंसुलेटर। सो दिस इज वाई इसको हम कंडक्टिविटी को इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं कि वो इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड से जल्दी कंडक्शन बैंड में चला गया तो वो उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो मेटल की कंडक्टिविटी ऑलरेडी ज्यादा हो गई, ठीक है, सेमी कंडक्टर की उससे कम हो गई, इंसुलेटर की सबसे कम हो गई डेफिनेटली। ठीक है, एंड कंडक्टिविटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू द वॉट, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का उल्टा खेल हो गया फिर। ठीक है, आई होप यहाँ तक बिल्कुल समझ गए होंगे, बड़े अच्छे से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, बड़े अच्छे से चल रहे हैं, आगे चलते हैं। द सेमी कंडक्टर हैज डैश टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस, द सेमी कंडक्टर हैज डैश टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखो दो टाइप के टेम्परेचर कोफिशियंट होते हैं रेजिस्टेंस के, एक तो टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट होंगे, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है और आपका रेजिस्टेंस घट रहा है तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट हो गया। ठीक है, अब सपोज करो कहानी सुनो, क्या कहानी है मेरी, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट की बात कर रहे हैं। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट कैसे होगा, सिंपल सी बात है। देखो अगर मेरा ये देखो मेरा जैसे यहाँ पे एक कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दिखा रखा है मैंने, ये मेरा है वैलेंस बैंड यहाँ पर और ये है मेरा कंडक्शन बैंड, ये है मेरे इलेक्ट्रॉन्स जो कि ऊपर जाने लगे हैं। कब जाएंगे मेरे इलेक्ट्रॉन्स ऊपर, मेरे इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे जब मेरा टेम्परेचर विल इंक्रीज, इफ आई इंक्रीज माई टेम्परेचर, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर बात कर रहा हूं मैं, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर इफ आई इंक्रीज माई टेम्परेचर द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड विल गो टुवर्ड्स द कंडक्शन बैंड एज द इलेक्ट्रॉन हैज द सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, एज द इलेक्ट्रॉन्स हैज द सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स गोज फ्रॉम वैलेंस बैंड दे विल डेफिनेटली गो टू द कंडक्शन बैंड। ओके, तो वॉट इज दिस, दिस इज द फ्री इलेक्ट्रॉन, ये जो मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन या तो टूट के बन सकता है इलेक्ट्रॉन, अगर क्योंकि ये बिल्कुल कॉम्पैक्ट है, क्योंकि ये बिल्कुल कॉम्पैक्ट है तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ब्रेक हो गया है बिकॉज आई हैव इंक्रीज द टेम्परेचर। अब जैसे ही मेरा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया तो ये मूव कर जाएगा, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ चला गया, जब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ चला गया तो मेरी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, कंडक्टिविटी मेरी इंक्रीज हो गई। अगर मेरी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई तो मेरी रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो गई, इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्ट, क्योंकि मेरे टेम्परेचर बढ़ाने पे, इफ आई इंक्रीज माय टेम्परेचर मेरी जो रेजिस्टिव रेजिस्टेंस है वो मेरा डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, द रेजिस्टिव कैरेक्टरिस्टिक है मेरी, वो मेरी डिक्रीज हो रही है डेफिनेटली। क्लियर, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू बिकॉज इट दिस थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, We are moving ahead. I hope you are enjoying the questions. These are very basic questions. ठीक है? When the pentavalent impurity is added to a pure semiconductor, it becomes very easy question. It becomes n-type. देखो एक चीज रट लो, मैं बार बार बता देता हूँ। Pentavalent अगर impurity आई है तो क्या बनेगा, एन टाइप
आपका सेमीकंडक्टर। अगर ट्राइवेलेंट आई है तो फिर क्या बनेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये दो बनेंगे क्योंकि पेंटावेलेंट जो इंप्योरिटी होती है ना उसमें, तो उसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है। जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, आप देखो जैसे ये मेरा जर्मेनियम था, मेरा जर्मेनियम है मेरे पास। जब मेरे पास जर्मेनियम है मेरा, तो मैंने एक आर्सेनिक से उसमें डोप कर दिया, ये मेरा जर्मेनियम है। अब मैंने ये मेरा आर्सेनिक इसमें डोप कर दिया, आर्सेनिक के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा। जब मेरे आर्सेनिक के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 4 तो ऑक्यूपाई जगह ऑक्यूपाई हो गई। जब 4 ऑक्यूपाई जगह हो गई तो एक बच गया मेरा इलेक्ट्रॉन, तो अगर मेरा इलेक्ट्रॉन बच गया तो मेरा ये बना देगा एन टाइप सेमीकंडक्टर, और इसमें मेजोरिटी चार्ज कैरियर हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, हो गए मेरे इलेक्ट्रॉन, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हो गए होल्स। इन एन टाइप मेजोरिटी चार्ज कैरियर आर इलेक्ट्रॉन एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आर होल्स, एंड अपोजिट टू डेट ट्राइवेलेंट से बनता है पी टाइप, उसमें मेजोरिटी चार्ज कैरियर हो जाएंगे होल्स और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। सो इन एन टाइप एंड पी टाइप बोथ वी हैव मेजोरिटी चार्ज कैरियर एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड बोथ द थिंग्स। ओके, वी नीड टू अंडरस्टैंड बोथ द थिंग्स। आई होप यू गाइज आर फॉलोइंग व्हाट आई एम आई सेइंग। आगे चलते, द एडिशन ऑफ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, देखो वही क्वेश्चन है सेम। एडिशन ऑफ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी क्या बता देगा, एक फ्री इलेक्ट्रॉन, है तो कौन सा टाइप बना, एन टाइप, सेमीकंडक्टर बना, एन टाइप सेमीकंडक्टर मेजोरिटी कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी कौन होते हैं, बोल बोल के बार बार क्वेश्चन ला ला के रटवा दूंगा, होल्स। ठीक है, अब पी टाइप की बात करते हैं, मेजॉरिटी कौन होते हैं, होल्स, माइनॉरिटी कौन होता है, इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो, होल्स आर बल्कियर, अभी इतना समझ लो, आगे समझाऊंगा क्यों बताया था। होल्स आर बल्कियर, बल्कियर मतलब थोड़े से भारी है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, होल्स आर बल्कियर एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, अभी इतना समझ लो, आगे इसकी कॉन्सेप्ट और बताऊंगा कि ये क्यों बताया था। ठीक है, क्या बोल रहा है, एन टाइप सेमीकंडक्टर इज, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिव इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, नेगेटिवली चार्ज, एंड देखो एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहा है, वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने वाला है। क्यों, भैया जब भी मेरा इसमें जितने पॉजिटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स है, आफ्टर द रिकॉम्बिनेशन उतना ही मेरे पास नेगेटिव चार्ज भी आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज भी आ जाएगा, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही मेरे पॉजिटिव चार्ज भी होगा, तो ये होने वाला है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इस तरह क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था, उसमें पी टाइप की बात थी, इसमें एन टाइप की बात थी, दोनों सेम ही है। इन एडिशन टू ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, टू अ प्योर सेमीकंडक्टर क्रिएट्स मैनी व्हाट, इन एडिशन टू ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, अगर मेरी ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मैंने ऐड करी है तो फिर क्या होगा, क्या हो जाएंगे, बताया था अभी थोड़ी देर पहले, होल्स ज्यादा आ जाएंगे क्योंकि मेजोरिटी चार्ज कैरियर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी क्या बना देगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर बना देगा, होल्स आर माय मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड इलेक्ट्रॉन आर माय माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
By adding impurity in semiconductor, the bulk resistance of semiconductor, what happen? देखो सिंपली अगर मैंने इम्प्योरिटी भी अगर डाल दी है किसी भी सेमीकंडक्टर में तो मेरे जो सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ जाएगा, सेमीकंडक्टर के रेजिस्टेंस पे मेरा क्या फर्क पड़ जाने वाला है। अभी देखो जब भी मैंने इम्प्योरिटी डाली है मेरे किसी भी सिस्टम में तो मेरे जो डोनर इम्प्योरिटी लेवल है, डोनर इम्प्योरिटी लेवल है, डोनर इम्प्योरिटी कब होगा जब वो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से डोप्ड होगा, जब वो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से डोप्ड होगा तो डोनर इम्प्योरिटी लेवल की जो जो रेजिस्टेंस की लेवल है वो मेरे रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है मेरी वो घट जाएगी। ठीक है, रेजिस्टेंस द बल्क रेजिस्टेंस ऑफ दिस विल डिक्रीज। व्हाई? बिकॉज द कंडक्टिविटी हैज बीन इंक्रीज्ड। पहले तो क्या था, पहले तो मेरा कुछ भी नहीं हो रहा था, मेरा कुछ क्योंकि मैं बिल्कुल भी मेरे बॉन्ड चारों के चारों बने हुए थे, लेकिन अब मेरा बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो मेरे जो सर्किट में चार्ज कैरियर्स आ गए हैं आफ्टर एडिंग द इम्प्योरिटी, आफ्टर एडिंग द इम्प्योरिटी मेरे सर्किट में क्या आ गए, चार्ज कैरियर्स आ गए हैं, है ना, चार्ज कैरियर्स आ गए मेरे सर्किट में, उसने मेरे सिस्टम को कुछ कुछ इस तरीके से कर दिया है, इस तरीके से कर दिया है, तो मेरे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का बीच का जो डिफरेंस है वो मेरा कम हो गया है। चाहे वो जो डोनर इम्प्योरिटी लेवल में मतलब मेरे एन टाइप है तो मेरे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो वो एज अ कंडक्शन ज्यादा प्रोवाइड कराएंगे मुझे, और मेरे होल ज्यादा हो गए तो वहां पर भी कुछ तो मेरे इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा हुए ही क्योंकि वो माइनॉरिटी में है मेरे पास, तो वहां पर भी मेरी जो कंडक्शन की पावर है वो तो इंक्रीज हुई हुई है, तो डेफिनेटली देखा जाए तो मेरी कंडक्टिविटी विल इंक्रीज, कंडक्टिविटी बढ़ेगी, उस वजह से क्या होगा मेरा जो रेजिस्टेंस होगा बल्क रेजिस्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर विल डिक्रीज, द बल्क रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर विल डिक्रीज गाइस। ओके, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इन अ सेमीकंडक्टर द करंट कंडक्शन इज ड्यू टू व्हाट, सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, करंट कंडक्शन किसकी वजह से होगा, देखो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट कंडक्शन होगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट कंडक्शन होगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पीएन की बात करूं मैं, पीएन टाइप का एक डायोड है मेरे पास, पी की बात करूंगा और एक एन टाइप की बात करूंगा, पी टाइप में मेजॉरिटी होते हैं होल्स, एन टाइप में मेजॉरिटी होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन बोथ विल बी द करेक्ट आंसर फॉर मी बिकॉज कंडक्शन मेरा इन दोनों की वजह से ही हो रहा है, पी में होल्स की वजह से हो रहा है और एन में मेरे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है, तो आई होप यू आर गेटिंग इट, आई होप यू आर गेटिंग मी राइट, आई होप कि आप चीज आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। द रैंडम मोशन ऑफ होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द थर्मल एलिगेशन इज कॉल्ड द रैंडम मोशन ऑफ होल्स, द रैंडम मोशन ऑफ होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द थर्मल एलिगेशन इज नथिंग बट योर डिफ्यूजन, diffusion is your random motion of your random motion of holes and electron due to the thermal allegation. अब देखो एक और question आ गया बढ़िया। The battery connections required to forward bias the PN junction. ये मेरा forward PN junction है। P और P type और N type को मैं अगर mix कर दूंगा तो मेरा PN junction बन जाएगा। अब क्या पूछ रहा है? Battery connection कौन सा required है? अगर मेरे को फॉरवर्ड बायस चाहिए, फॉरवर्ड बायस चाहिए तो पी टाइप पे मैं लगाऊंगा पॉजिटिव और एन टाइप पे मैं लगाऊंगा नेगेटिव। ठीक है, दिस इज माय फॉरवर्ड बायस, दिस इज माय फॉरवर्ड बायस, इसमें करंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा पी टू एन। अब होता क्या है देखो, मैं बताता हूं आपको होता क्या है। अब मैंने P पे फॉरवर्ड ही क्यों लगाया, क्योंकि P पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है बताओ जरा, P पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, होल्स है, P पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है मेरे, होल्स है, P पे मेरे होल्स है और यहां मेरे इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये जो नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव पुश करेगा इन इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए, ये नेगेटिव पुश करेगा इस इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए और यहाँ पे मेरे इलेक्ट्रॉन्स है और ये इलेक्ट्रॉन इस डिफरेंशियल लेयर को पास कर जाएंगे, जैसे ही मेरे इलेक्ट्रॉन इस डिफरेंशियल लेयर को पास कर जाएंगे मेरा करंट इस तरीके से यहाँ से फ्लो हो जाएगा,
एज वी नो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू डेथ ऑफ इलेक्ट्रॉन. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट होता है, ये मैं जानता हूँ. ठीक है, और मेरा करंट इस तरीके से फ्लो हो जाएगा आई, तो दिस इज माई आई. ठीक है, तो ये करंट का डायरेक्शन मेरा सिर्फ यही होने वाला है. दैट्स वाई इट इज अ यूनिडायरेक्शन. ठीक है, दैट्स वाई इट इज अ यूनिडायरेक्शन. ये है मेरा फॉरवर्ड बायस्ड, ये है मेरा फॉरवर्ड बायस्ड. ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. बिल्कुल आसानी से हम चल रहे, धीरे धीरे आगे चलते हैं. इन द डिप्लेंशन रीजन ऑफ पी एन जंक्शन देयर आर शॉर्टेज ऑफ वॉट? एक्सेप्टर आयन, डोनर आयन, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी गाइस, दिस इज, देखो यहाँ पर ये मेरी डिप्लेशन रीजन बनी है. यहाँ पर ये मेरी डिप्लेशन रीजन बनी है. यहाँ पे मेरे इलेक्ट्रॉन्स थे बहुत सारे, यहाँ पे क्या थे मेरे होल्स थे, होल्स पॉजिटिवली चार्ज बता दिए, और ये मैंने इलेक्ट्रॉन्स बता दिए. जब यहाँ पर इन दोनों को मैंने कंबाइन किया है, यहाँ पर हुआ है रिकॉम्बिनेशन. रिकॉम्बिनेशन की वजह से यहाँ पर एक लेयर बन गई है, यहाँ पे एक लेयर बन गई है जिसका पॉजिटिव यहाँ पर है, नेगेटिव यहाँ पर है. ठीक है, एज इट इज अ डोनर एटम, डोनर एटम है मेरा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो डोनर एटम देने के बाद ये बन गया यहाँ पॉजिटिव, ये एक्सेप्टर है तो यहाँ पे ये नेगेटिव आयन बन गया. यहाँ पे मेरा पॉजिटिव आयन बन गया, यहाँ मेरा नेगेटिव आयन बन गया, दिस इज माय डिप्लेंशन. तो इट हैज द एक्सेप्टर आयन, इट हैज द डोनर आयन. डोनर आयन और एक्सेप्टर आयन आर बोथ प्रेजेंट इन द डिप्लेंशन रीजन, बट वॉट इट डज नॉट हैव, इट डज नॉट हैव द इलेक्ट्रॉन्स एंड इट डज नॉट हैव द पोल्स. इलेक्ट्रॉन्स हैव द एंड द होल्स, ये डिप्लेंशन रीजन में नहीं होते हैं, ये पूरे के पूरे एन टाइप के स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं. ये डिप्लेंशन रीजन में सिर्फ जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं वही होने वाले हैं. डिप्लेंशन रीजन में सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयंस है मेरे वही होने वाले हैं. तो आंसर हो जाएगा मेरा ये सी पोर्शन, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर माय आंसर. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. द रिवर्स बायस्ड पी एन जंक्शन हैज व्हाट? द रिवर्स बायस्ड पी एन जंक्शन हैज व्हाट? वेरी नैरो डिप्लेंशन लेयर. आगे देखते हैं, देखो रिवर्स बायस्ड हो गया तो रिवर्स बायस्ड का मतलब डिप्लेंशन रीजन तो ज्यादा हो जाएगा. रिवर्स बायस्ड हो गया तो डिप्लेंशन रीजन, ये देखो डिप्लेंशन रीजन ये तो ज्यादा हो जाने वाला है अगर मेरा सिस्टम में रिवर्स बायस्ड हो गया. ठीक है, ये देखो किस तरीके से इतना बड़ा डिप्लेंशन रीजन आपका बन गया है. ठीक है, अगर रिवर्स बायस्ड हो गया, क्योंकि रिवर्स बायस का मतलब ये पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू एन टाइप. अगर एन टाइप है तो यहाँ पे इतने सारे पॉजिटिव को इकट्ठा कर लेगा. ठीक है, तो ये डिप्लेशन रीजन तो जो नैरो नहीं होगा मेरा डिप्लेशन रीजन, बल्कि और वाइड हो जाएगा. अब ये देखो इसका आंसर क्या होने वाला है. वेरी लो रेजिस्टेंस भी आंसर नहीं होगा, लार्ज करंट भी आंसर नहीं होगा. मेरा आंसर इसका हो जाने वाला है, दिस इज माई आंसर, दिस इज माई आंसर, ऑलमोस्ट नो करंट. अब ये ऑलमोस्ट नो करंट क्यों बोला है? नो करंट भी तो बोल सकते थे. ऑलमोस्ट नो करंट इसलिए बोला है दोस्तों क्योंकि ये होता है जो थोड़ा करंट, लिटिल करंट विल फ्लो ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स. जो थोड़ा करंट होता है इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलमोस्ट नो करंट, बिकॉज जो थोड़ा करंट होता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो होता है. यहाँ पे देखो थोड़ा थोड़ा आपको दिख भी रहा है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहाँ पे. ठीक है, सो दिस इज द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से जो आपका थोड़ा सा करंट फ्लो हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. पी एन जंक्शन इज एक्ट एज अ, देखो ये मेरा पी एन जंक्शन है, एक्ट एज अ यूनिडायरेक्शनल स्विच, यूनिडायरेक्शनल स्विच की तरह ये हम इसको यूज कर सकते हैं. इट इज नॉट ए कंट्रोल्ड स्विच, नो हमने कंट्रोलिंग लगाई नहीं है. बाई डायरेक्शनल दूसरी डायरेक्शन में करंट फ्लो होता ही नहीं है, बहुत थोड़ा सा होता है, वो उसको हम कंसिडरेबल है, नील कंसिडर कर सकते हैं. वो थोड़ा सा किसके लिए, किसकी वजह से? माइनॉरिटी चार्ज की वजह से. द लीकेज करंट अक्रॉस द पी एन जंक्शन इज ड्यू टू, देखो मैंने वही बताया था कहानी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की. द लीकेज करंट इन द जंक्शन इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ओनली, लीकेज करंट इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ओनली. ठीक है, ध्यान में रहेगी ना ये बात.
नेक्स्ट चलते हैं, द डिफरेंस बिटवीन इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर इज, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर पे वापस आ गए एक बार अपन, क्या मेरे इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में डिफरेंस होता है? इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में, इंसुलेटर में मेरा जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो ज्यादा होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप ज्यादा होगा मेरे इंसुलेटर पे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऑब्वियसली इन सेमीकंडक्टर वी माइट हैव वन और टू फ्री इलेक्ट्रॉन डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर, डिपेंडिंग ऑन द डोपिंग, वी माइट हैव वन और टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ओके. In atomic structure, definitely there is a difference of atomic structure in between semiconductor and insulator. So, what is my answer? All of the above is my answer. क्योंकि ये तीनों ही मेरे option सही हो गए, तीनों ही मेरे option सही हो गए कि it has wider forbidden energy gap. Yes, the number of free electrons are different. Okay. Thirdly, atomic structure भी इसमें अलग अलग होता है. ठीक है, सो ऑल द अबव इज माय आंसर हियर. ओके, डिप्लेशन रीजन कंसिस्ट ऑफ व्हाट, डिप्लेशन रीजन कंसिस्ट ऑफ व्हाट, अभी अभी कुछ देर पहले यही हुआ था. व्हाट डिप्लेशन रीजन हैज पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस. यस, नो मेजोरिटी कैरियर्स, ये भी सही है एक तरीके से, कोई मेजोरिटी कैरियर्स नहीं है इसमें. This is my answer. Okay, आगे चलते हैं. The term bias, bias का मतलब क्या होता है? Biasing करने का मतलब है that the DC voltage is applied to an electronic device. The DC voltage is applied to a electronic device is your biasing. Biasing का मतलब ये है, जैसे इस suppose कर लो ये मेरा diode है, इसको मैं यहाँ पे एक DC voltage अप्लाई कर दूं, फॉरवर्ड बायसिंग हो गई ना ये, अब इसी तरीके से ये तो मेरी होगी फॉरवर्ड बायसिंग, एक रिवर्स बायसिंग भी होगी. ये हो गई क्या रिवर्स बायसिंग. ठीक है, सो डीसी वोल्टेज इज अप्लाइड एट द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इज द डेफिनेशन ऑफ बायसिंग गाइस. व्हेन द वोल्टमीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस ए फॉरवर्ड बायस डायोड इट विल रीड वोल्टेज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट, क्या है? मेरा एक डायोड है, फॉरवर्ड बायस्ड है, फिर क्या है, एक वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया मैंने यहां पर, सपोज को ये मैंने वोल्टमीटर लिया, इसको कनेक्ट कर दिया. ठीक है, वोल्टमीटर इज कनेक्टेड, कनेक्ट कर दिया. अब ये जब फॉरवर्ड बायस्ड है तो ये करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, जब फॉरवर्ड बायस्ड है तो करंट इस तरीके से फ्लो हो ही रहा है मेरा, तो फिर क्या होगा, ये मेरा वोल्टमीटर, अब जब मेरा करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है तो ये मेरा वोल्टमीटर मैंने कनेक्ट कर दिया, तो ये कितनी वोल्टेज शो करेगा, कितनी वोल्टेज ये शो करेगा. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और सर्किट एलिमेंट भी हो सकते हैं, रेजिस्टेंस लग सकता है, कुछ भी लग सकता है. अब ये कितनी वोल्टेज शो करेगा, दिस विल शो द डायोड वैरियर पोटेंशियल, दिस विल शो द डायोड वैरियर पोटेंशियल जितना है इसका. अच्छा, अब ये करंट कब फ्लो करता है पता है आपको, जब वी इन माइनस वी डी डिवाइड बाय आर हो जाता है. ठीक है, VD is the diode barrier potential, Vin is the input जो हमने दिया है, resistance एक दा कि हमारे पूरे circuit के बीच में कोई ना कोई resistance तो obviously लगा ही होगा, तो इसीलिए ये मेरा current जब ही flow करेगा, जब Vin मेरा बड़ा हो जाएगा VD से, Vin मेरा बड़ा हो जाएगा VD से, तभी ये मेरा circuit में जो मेरा जो current है ये मेरा I current है ये मेरा flow करेगा, और ये तो मेरा definitely हमेशा मुझे वही चीज दिखाएगा जो मेरा diode barrier potential है, जो मेरा डायोड बैरियर पोटेंशियल है ना,
ये वोल्ट मीटर मुझे हमेशा वही चीज दिखाएगा, ये देखो इस तरीके से ये होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। विच कॉजेज द बैरियर लेयर इन पीएन जंक्शन, रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। Recombination of electron and holes. This causes what? Which causes barrier layer? किस वजह से आएगी? Recombination of electron and holes. Okay. This is the barrier potential I have. This is the barrier potential I have. When the reverse voltage is increased from 5 volt to 10 volt, when the reverse voltage is increased from 5 volt to 10 volt, the depletion layer, क्या होगा? जब 5 volt reverse voltage इतनी provide करा दी, तो obviously depletion layer becomes larger. जो depletion layer है, वो मेरी ज़्यादा हो जाएगी मेरी. मैंने शायद डायग्राम इसमें मैंने पहले दिखाया था. ऑब्वियसली सपोज करो ये मेरी पी है, ये मेरा एन है, नेगेटिवली चार्ज्ड, इस तरीके से. तो ये जो मेरी डिप्लेशन लेयर है ना यहाँ पे, ये बहुत ज्यादा हो जाएगी, ये वाइडर हो जाएगी जैसे ही मैं नेगेटिव चार्ज बनाऊंगा. ये क्योंकि यहाँ मेरा इलेक्ट्रॉन था, जब इलेक्ट्रॉन थे तो यहाँ पॉजिटिव है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो यहाँ से यहाँ पे या फिर यहाँ से यहाँ पे करंट जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता. तो ऑब्वियसली ये जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है यहाँ पे इधर इधर, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, ये मेरा नेगेटिव आयंस बन जाएंगे या बहुत सारे रिकॉम्बिनेशन के थ्रू, और यहाँ मेरे पॉजिटिव आयंस बन जाएंगे, तो जो मेरी बैरियर पोटेंशियल है वही मेरी इंक्रीज होगी. ठीक है, इन केस ऑफ दिस रिवर्स बायस कंडीशन, द वोल्टेज वेयर द एवलांचे अकर्स इज कॉल्ड द ब्रेकडाउन वोल्टेज. अच्छा, एवलांचे क्या होगा? द सडन राइज इन द करंट. एवलांचे बता रहा हूं, सडन राइज इन करंट. एक होता है आपका दो टाइप के एवलांचे होते हैं, तो नॉर्मल एवलांचे और एक जेनर ब्रेकडाउन. दैट इज द जेनर ब्रेकडाउन, जो रिवर्स डायरेक्शन में होता है, और जो नॉर्मल एवलांचे होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है. ठीक है, ध्यान में रखना इस बात को. नेक्स्ट चलते हैं, द एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इन कंडक्टर्स. कंडक्टर्स में मैंने आपको बताया था एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड विल बी जीरो, बिकॉज इजीली वो कंडक्ट करने लग जाएगा. ठीक है, जल्दी चल रहा है, बस अभी खत्म करने वाले हैं. 30 क्वेश्चंस तक है हमारे पास. द डोपिंग ऑफ जर्मेनियम विद आर्सेनिक लीड्स टू, डोपिंग ऑफ जर्मेनियम विद आर्सेनिक लीड्स टू एन टाइप सेमीकंडक्टर. एन टाइप सेमीकंडक्टर मैंने याद करने का एक तरीका बताया था आपको, इसको रहने दो. याद करो जरा किस तरीके से बताया था मैंने याद करने का तरीका. देखो, एक हो गया मेरा एन टाइप, यहाँ पे मैं हूं जर्मेनियम सिलिकन, एक होता है मेरा पी टाइप. अगर मैं पेंटावेलेंट से इंप्योरिटी, पेंटावेलेंट से और ट्राइवेलेंट से, किधर करूंगा, अगर मैं पेंटावेलेंट से इंप्योरिटी कर दूं तो फिर क्या क्या होगा मेरा, मेरा एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा. एन टाइप सेमीकंडक्टर मतलब मेरे जर्मेनियम सिलिकन से बड़ा है, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो मैंने उसको नाम दे दिया बाप, बी ए ए पी. क्या नाम दे दिया? बाप नाम दे दिया.
मैंने नाम दे दिया उसको मेरा, यहाँ पे आ गया बाप, ए पी। और मेरा जो ट्राइवेलेंट है, जब मेरा ट्राइवेलेंट जर्मेनियम सिलिकम को देगा तो ट्राइवेलेंट क्या है, मेरा बेटा है। जर्मेनियम सिलिकम के लिए तो मेरा बेटा है, और बाप बेटे को क्या देता है, जमीन देता है। जमीन देता है तो उसकी एक यूनिट होती है बीगा, बीगा। अब जैसे ये बाप है तो ये हो गया बिस्मत, आर्सेनिक, एंटीमनी, फॉस्फोरस। और ये जो मेरी जमीन दी थी मैंने बीगा, ये हो गई मेरी बोरॉन, इंडियम, गैलियम और एल्यूमिनियम। यम यम यम, ये तीन यम एक साथ आ गए, इंडियम, गैलियम और एल्यूमिनियम। ठीक है, दीज आर द वे टू टू कि आपको इस चीज, ये चीज याद रहे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ये मैंने डायग्राम बनाया था लेकिन इसको कोई जरूरत नहीं, मैं इसको डिलीट कर दूंगा। ठीक है, विच टाइप ऑफ द चार्ज कैरियर हैज ग्रेटर मोबिलिटी? देखो, ग्रेटर मोबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? ऑब्वियसली मोबिलिटी उसकी ज्यादा होगी जो हल्का होगा। याद करो, कुछ क्वेश्चन पहले मैंने बताया था कि होल्स आर बल्कियर। याद आई? बिल्कुल, पुराने फ्लैशबैक की तरह चले गया होगा दिमाग। बिल्कुल, मैंने बताया होगा होल्स आर बल्कियर। अब मेरा होल्स बल्कियर हो गए तो मेरी मोबिलिटी ज्यादा हो जाएगी फ्री इलेक्ट्रॉन। मोबिलिटी हाई हो जाएगी इसकी। ठीक है, एक सवाल पूछता हूँ। चलो, दो टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं, दो टाइप के ट्रांजिस्टर है, पीएनपी और एक है एनपीएन। इनमें से फास्टर कौन सा है? एक पीएनपी और एक एनपीएन, किसको हम यूज करेंगे, फास्टर कौन सा है? सिंपल सी बात, देखो, एनपीएन में, एन में मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स, फिर होल्स, फिर इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे होल्स, इलेक्ट्रॉन, होल्स। ओवरऑल एनपीएनपी में होल्स ज्यादा है, ओवरऑल एनपीएन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ठीक है, अब ओवरऑल एनपीएन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और मैं जानता हूं कि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा होती है और होल्स की मोबिलिटी कम होती है। अब मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आर हायर, इट मींस द एनपीएन इज फास्टर। ठीक है, समझे? बड़े ही ध्यान से पढ़ने के बाद इतनी समझ बन पाती है कि इन सब चीजों को समझा पाओ। ठीक है, तो द इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी है वो ज्यादा है, इसलिए जो एनपीएन जो हमारा ट्रांजिस्टर बनता है ना, वो मेरा फास्टर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ करंट इन अ रिवर्स बायस ऑन पीएन जंक्शन डायोड में भी, रिवर्स बायस में करंट कितना होगा? ये शायद मैं क्वेश्चन पहले करा चुका हूँ। अ फ्यू माइक्रो और नैनो एम्पियर्स, बिकॉज जो होता है वो मेरे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर मी टुडे गाइस। रिकॉर्डिंग है इसलिए थोड़ा सा वो मैं जल्दी करने लग गया हूँ आजकल। व्हेन द रिवर्स बायस द पीएन जंक्शन एक्ट एज अ वेरी इजी क्वेश्चन। अब तो सब रट गया है और मुझे नहीं लगता कि इतना पढ़ने के बाद आप बेसिक जो आपकी जो सेमीकंडक्टर फिजिक्स है उसमें कुछ भी चीज गलत गलत करोगे। सो दिस इज माई फाइनल डायग्राम फॉर यू गाइज, के फॉरवर्ड बायस में द करंट विल फ्लो एंड द बल्ब विल ग्लो, एंड इन द रिवर्स बायस द करंट विल नॉट फ्लो एंड द बल्ब विल नॉट ग्लो। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। टुडे वॉट वी हैव डन, वी हैव डन द सेमी कंडक्टर फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन, एंड आई होप यू हैव लाइक दिस क्वेश्चन। इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन मी इन टेलीग्राम तो डेफिनेटली आप मुझसे टेलीग्राम पे आके जुड़ सकते हैं। बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं हम यहाँ पे और काफी अच्छे से हम काम कर रहे हैं। ठीक है, आई होप यू हैव लाइक दिस लेक्चर एंड प्लीज डू शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। प्लीज शेयर दिस वीडियो,
अदरवाइज ये बहुत अच्छी नॉलेज है जो आज हमने दी है, ये बाकी लोग तक तो पहुंच ही नहीं पाएगी, तो इसका कुछ फायदा ही नहीं निकलेगा। सो डेफिनेटली आज बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करिए, इस नॉलेज को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी कुछ नया सीख सके, सारी जो चीज है उसको रिवाइज कर सके। एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, एंड आगे मिलते रहेंगे, मैं वापस से आऊंगा कल कुछ कोई और टॉपिक लेके। एंड डेफिनेटली आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, इम्पोर्टेंटली अपना ध्यान रखिए बहुत ज्यादा, बिकॉज ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ध्यान नहीं रखेंगे तो बीमार हो गए तो फिर और समस्या हो जाएगी। तो अपना ध्यान रखिए ज्यादा से ज्यादा, अपने आप को स्वस्थ रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, माता पिता का ध्यान रखिए, और सब अच्छे से हो जाएगा। थोड़ा टाइम की दिक्कत है, आराम से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।